हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेयर सॉल्यूशन वीडियोस। तो आज हम करने वाले हैं हेयर हाइलाइट्स विद स्मार्ट बॉन्ड। आपने बिफोर का फोटो देखा, अभी ये आफ्टर फोटो है। स्मार्ट बॉन्ड एक लोरियल का प्रोडक्ट है जो कि पिक्चर में आप देख रहे हो, उसको मैं करके दिखाने वाला हूँ। आज हमारे पास क्लाइंट के ये हेयर है ऑलरेडी, ये यहाँ पे 4 नंबर बेस कलर लगाती हैं बिकॉज इनके ग्रे वाइट हेयर है रूट्स पे। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वेला का ब्लोंडर, लोरियल का हम यूज़ करेंगे इसमें स्मार्ट बॉन्ड जो कि नंबर 1 जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। स्मार्ट बॉन्ड आई थिंक सबको पता होगा इसके बारे में, किस लिए हम यूज़ में लेके आते हैं। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तो आप लोगों को दिखाऊंगा इन फ्यूचर। ये नंबर 2 है स्मार्ट बॉन्ड का, ये आफ्टर यूज़ करना है, वो फर्स्ट यूज़ करना है। तो दोनों का अलग अलग काम है अपनी जगह पे। तो ये है वॉल्यूम लोरियल का, 30 वॉल्यूम, 9% पेरोक्साइड। तो हम इसको अभी मिक्सिंग करेंगे सबसे पहले, और फॉइल हमें काट के रख लेना है। तो हम यहाँ पे ब्लोंडर ऐड कर रहे हैं जिसको हम ब्लीच भी बोलते हैं। इसमें हम डालेंगे 30 वॉल्यूम, 1:2 का रेशो रहेगा। मतलब अगर आपने डाला है ब्लोंडर 20 ग्राम तो उसका डबल, मतलब जो वॉल्यूम होगा 40 ग्राम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें। अब ध्यान से मिक्स करिएगा, मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। जब आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ब्लीच को, तभी ये अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। वॉल्यूम के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए। जैसे ही प्रॉपरली ये मिक्स अप हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर लेंगे स्मार्ट बॉन्ड नंबर 1 जो कि लोरियल का एक प्रोडक्ट है। ये बालों को स्ट्रेंथ देता है, बालों को मजबूत बनाता है, और ब्लीच से बाल फ्रिजी ना हो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने क्लाइंट के बालों के लिए। तो इसमें मैं 3 ml से ज़्यादा नहीं डालने वाला हूँ, 3 से 4 ml ही डालूँगा। तो आप इसका स्कूप की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, इसका जो कैप रहता है बॉटल का, उसको इसको मिक्स कर लेंगे। एंड देन हम इसके बाद जैसे ही अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगा इसको यूज़ करेंगे। स्मार्ट बॉन्ड तो आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी साथ रहिएगा मेरे। फॉयल्स हमने ऑलरेडी रख ली हैं काट के, बाकी सारे प्रोडक्ट जो हैं हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हम सेक्शन बाय सेक्शन अभी यूज़ करने वाले हैं हमारी हाईलाइटिंग। हमारा एक स्टूडेंट है जो कि अप्लाई कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पतले पतले थिन थिन सेक्शन लेके ही हाइलाइट्स करें जब भी आप हाइलाइट्स करने वाले हैं, क्योंकि जितने सेक्शन पतले होंगे उतना मज़ा आने वाला हाइलाइट्स करने में। तो ऑलरेडी एक फॉइल लग चुका, हम ऑलमोस्ट 15 से 20 फॉइल लगाने वाले हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट लगाएंगे अच्छे से, रूट से छोड़ के प्रोडक्ट को लगाना है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। और मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक पे, तीनों पे हमारे पेजेस है, पेज बनाया हुआ है हमने, तो आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उनका नाम भी हेयर सॉल्यूशन है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, तीनों पे हमने अपना पेज हेयर सॉल्यूशन के नाम से बनाया हुआ है। आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो हमने मिक्स किया हुआ है, अभी साइड के बालों पे अच्छे से हम पतले पतले फॉइल लेके, पतले पतले स्लाइसिस में से थिनिंग लेके हमें अच्छे से प्रोडक्ट लगा के छोड़ देना है। देखिए, यही चीज़ है आपको प्रोफेशनल बनाती है जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने पतले थिन सेक्शन रहेंगे उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये कलर हो जाने वाला है, आप देखिएगा इनके ऑलरेडी कलर किया हुआ है 4 नंबर बेस जो कि ये ग्रे कवरेज छुपाने के लिए करती हैं। बट अभी हम इसमें कर रहे हैं 30 वॉल्यूम से ब्लीच, तो वी आर नॉट डिपॉजिटिंग एनी कलर नाउ। आफ्टर दैट जस्ट सी इट, अगर आप ये कलर होने के बाद रिजल्ट कैसा आता है, बिकॉज यू गोना लव इट।
ट्रस्ट मी, क्योंकि हम सिर्फ ब्लीच कर रहे हैं बट कलर ऑलरेडी इनके बालों में डिपॉजिट है, एवरी टाइम ये कलर कर रही हैं, तो इसका रिजल्ट बेटर आने वाला है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो उनको बताना चाहूँगा, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में, सीजर कॉम, कलर ब्रशेस, ब्लोंडर, ड्रायर, एवरीथिंग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके उसको खरीद सकते हो ऑनलाइन अमेज़ॉन से। कभी भी कुछ ख़रीदना हो तो आप जाइए डायरेक्टली लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे लिंक्स पे क्लिक करके बाय करते हो तो। तो जिन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट करना, ये हमारा एक अलग साइड में सेशन में केराटिन चल रहा है, इस केराटिन के ऊपर भी मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि वीडियो बना के दिखाऊँ। इनके पहले ब्लीच हेयर थे, इसका वीडियो मैं टिकटॉक पे डालने वाला हूँ जल्दी। जिन लोगों ने अभी तक टिकटॉक हमारा नहीं देखा है वो जाएं, इस वीडियो का वेट करें, इस हफ्ते में ये वीडियो भी आने वाला है जिसमें मैं टिकटॉक एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर इसका वीडियो डालूंगा कि इसका बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट क्या था। ये हाइलाइटिंग किया हुआ है उसके ऊपर हमने कलर डिपॉजिट किया है जो पहले दिखाया मैंने, एंड देन उसमें केराटिन किया है, तो यू विल सी द रिज़ल्ट। तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कर दिया, एकदम डिफरेंट बना दिया उनका कलर। अभी आप देख रहे हो एकदम कैरामल चॉकलेट कलर आ रहा है उनके बालों में। थिंग इज़ कि उसको कैसे किया गया वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। उनकी अभी केराटिन चल रहा है, इधर हम हाइलाइट्स कर रहे हैं। जिन लोगों को भी मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारा जो एकेडमी है वो है अहमदाबाद में और एक है पंजाब में, और आई थिंक अहमदाबाद वाली मैं अभी खुद रन कर रहा हूँ। अभी जिसको भी ज्वाइन करना है वो कॉल करें हमारे नंबर पर, स्क्रीन के ऊपर नंबर आएगा, बार बार रिफ्लेक्ट होता है राइट साइड ऊपर में कॉर्नर में, तो आप जाएं नंबर पे कॉल करें और पूछें सारी डिटेल्स, क्या क्या कोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं और कहाँ पे हमारी क्लासेज हैं अहमदाबाद में। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कभी भी कॉल करके, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही रहती हैं हमारे पास, ऑलरेडी फुल रहता है। और जिनको कोई क्वेश्चंस है, ये नंबर आ रहा है ऊपर स्क्रीन पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। और जिनको कोई क्वेश्चंस है वो क्या कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे, मेरा पेज है इसका नाम है हेयर सॉल्यूशन, आप जाएं इसको फॉलो करें और वहाँ पे मैसेज करें। मैं वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई बहुत जल्दी देता हूँ बिकॉज मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली लाइव रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ओके, तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये हमें कलर चाहिए था, ऑलमोस्ट चॉकलेट कलर है ये भी, इसको हम रखने वाले हैं और निकाल देंगे, जो जिन फॉइल में ये कलर आ चुका है उसको निकाल देंगे। आप देख रहे हो क्योंकि इनके पहले कलर किया हुआ, तो हम पेल येलो, पेलेस्ट येलो में नहीं जाने वाले, लाइट नहीं करने वाले बिकॉज क्लाइंट को इतना लाइट कलर नहीं चाहिए, राइट। तो हम उसको कुछ हद तक लाइट किया है और निकाल रहे हैं, कलर है ऑलरेडी अंदर बट हमने स्मार्ट बॉन्ड की हेल्प से इन बालों को फ्रीजी नहीं होने दे रहे। तो सारे बालों में से जितने फॉयल्स में कलर आ चुका है उनके फॉयल्स निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद इनके टचअप भी करना है मुझे, रूट टचअप, क्योंकि ग्रे हेयर है तो बाद में हम रूट टचअप भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सीधा कलर आ गया, निकाल दें। अब यहाँ पे इसके बाद हम रूट टचअप किया है, रूट टचअप 35 मिनट रखा, देन वॉश किया। यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्मार्ट बॉन्ड नंबर 3-2, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा वाला है। वॉश करके, शैम्पू करके हमने स्मार्ट बॉन्ड नंबर 2 लगा दिया यहाँ पे, उसको रखेंगे 10 मिनट। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे फिर वॉश करके ड्रायर करेंगे, और ब्लो ड्राई करने के बाद का आपको रिज़ल्ट मैं दिखाने वाला हूँ इसमें कैसा रिज़ल्ट आया है। यू गाइज गोना लव इट, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपको मज़ा आने वाला है ये कलर देख के। ईजी है, कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, और जो लोग बिगनर हैं उनके लिए बहुत ईजी है ये, तो आप लोग कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, इसका नाम है हेयर सॉल्यूशन, और ये है स्मार्ट बॉन्ड नंबर 2 लॉरियल का, प्रोफेशनल का, जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नंबर 2, बहुत अच्छा इफेक्ट है। वेलाप्लेक्स और ओलाप्लेक्स और स्मार्ट बॉन्ड भी, ये तीनों एक ही मतलब लेवल के हैं, बट आई थिंक ओलाप्लेक्स इज़ बेटर देन
बोथ ऑफ दीज ब्रांड वेलाप्लेक्स एंड स्मार्ट बॉन्ड. वेलाप्लेक्स डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट है इन दोनों से, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है. बिकॉज अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विच वन इज़ द बेटर वन. तो यहाँ पे इनके हाइलाइट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हम अभी ड्रायर कर रहे हैं, बालों को अच्छे से सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे, तो आपको फाइनल रिजल्ट दिखा दूंगा. अभी आई थिंक हाइलाइट्स तो आपको दिख ही रही हैं बालों में, तो जैसे ही ये हाइलाइट्स कंप्लीट हो जाती हैं इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ड्रायर करके कि फाइनल रिजल्ट क्या आया है. और इनके रूट्स पे भी हमने पूरा जो टचअप था नंबर 4 का वो कर दिया है ताकि रूट्स पे ग्रे हेयर ना दिखे, क्योंकि क्लाइंट्स को ऐसा रहता ही ऑब्वियसली, वो ज़रूरी है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का. तो यहाँ पे अभी कंप्लीट हो चुका है इनका कलर, जस्ट सी इट, आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कलर कर दिया है, जस्ट सी इट, शी लाइक इट, उनको पसंद आया. तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स ले लूँगा अभी इनकी मोबाइल के साथ साथ, पिक्चर्स लेके आपको आगे पिक्चर्स में दिखाऊंगा कि क्या फाइनल रिजल्ट दिखने वाला है. यू गाइस गोना लव इट, ट्रस्ट मी, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई कलर डिपॉजिट नहीं किया, जस्ट सी इट, कोई कलर नहीं डाला है. ऑलरेडी इनके बालों में कलर नंबर 4 था और मैंने उसमें सिर्फ ब्लीचिंग से कुछ हद तक पिगमेंट्स निकाल दिए और बाकी बालों को वैसे ही छोड़ दिया. तो अगर वो कलर करती हैं तो कभी भी बाल डैमेज नहीं होने वाले हैं. अगर आप स्मार्ट मोड यूज़ कर रहे हो, वेलाप्लेक्स यूज़ कर रहे हो, ओलाप्लेक्स यूज़ कर रहे हो विद ब्लीच, तो ऐसे ही शाइन रहेगी. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए आ रहे हैं, और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें. और हाँ, ये हमारा हेयर सॉल्यूशन पेज है इंस्टाग्राम पे, जिसमें 1100 फॉलोअर्स हो चुके हैं, आप जाके प्लीज़ फॉलो कर लें. थैंक यू.